हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आई होप आप लोग अच्छे से हैं, बहुत हेल्दी हैं। चैनल को आपने सब्सक्राइब कर रखा है और अगर आप न्यू हैं तो आप प्लीज कर लीजिए, आपको हर रोज कुछ नया मिलता है। आज हम लोग कर रहे हैं हमारा सेट नंबर 3। किसका सेट नंबर 3? CHSL का। क्या है मैम ये, कहाँ से आप करवा रहे हैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस? ये आपका जो 4 तारीख को जो एग्जाम हुआ था 2021 में, उसके फिफ्थ वन का ये एग्जाम है आपका। ठीक है, तो रियल प्रीवियस ईयर पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं ताकि आपको एक आपको रियल प्रैक्टिस आपकी हो जाए कि एग्जाम आता कैसे है। आपका ये जो पेपर है ये 4 तारीख को हुआ था 2021 में, फिफ्थ वन। तो वही क्वेश्चन है सारे के सारे। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ ही डज नॉट रीच द स्टेशन इन टाइम, ही वुड श्योर मिस द ट्रेन। अच्छा ठीक है, देखो यहाँ पे एरर क्या है, यहाँ पे आपको कंडीशन दे रखी है, यहाँ पे आपको कंडीशन दे रखी है। और एक चीज आपको याद रखनी है कि दो चीजें होती हैं, अगर कोई चीज में आपको कंडीशन गिवन है तो अनश्योर उसका रिजल्ट भी होगा। कंडीशन अगर गिवन है तो फिर उसका एक रिजल्ट भी निकल के आएगा। कंडीशन है तो उसका रिजल्ट भी होगा। और देखो अगर कंडीशन आपको किसमें दे रखी है, प्रेजेंट में, अगर आपको मैं कंडीशन प्रेजेंट में देती हूँ तो उसका रिजल्ट मुझे फ्यूचर में मिलेगा, उसका रिजल्ट मुझे कब मिलेगा, फ्यूचर में। कंडीशन अगर प्रेजेंट में है तो रिजल्ट कब मिलेगा आपको, फ्यूचर में। ओके, अब देखो प्रेजेंट में दे रखा है, यहाँ पे डज लगाया हुआ है। क्यों लगाया हुआ है? क्योंकि यहाँ पे कुछ नॉट की बात हो रही है। इफ ही डज नॉट रीच द स्टेशन इन टाइम, अगर वह स्टेशन ऑन टाइम पे नहीं पहुंचता है तो क्या हो जाएगा कि वो डेफिनेटली अपनी ट्रेन को क्या कर देगा, मिस कर देगा। हम प्रेजेंट में कह रहे हैं कि अगर वो, अगर जो इफ है ये कंडीशन बता रही है, और डज हमें बता रहा है कि प्रेजेंट ही कंडीशन दी हुई है, क्योंकि डू या डज का इस्तेमाल हम प्रेजेंट टेंस में इस्तेमाल करते हैं। तो प्रेजेंट में बोला है कि अगर वो टाइम से नहीं निकलता है तो वो अपनी ट्रेन मिस कर देगा। अच्छा देखो यहाँ पे क्या गलती है, यहाँ पे देखो वुड दे रखा है, वुड दे रखा है तो गलत हो गया। आपको एक चीज और बता देती हूँ मैं, देखो प्रेजेंट में क्या हो जाएगा, आपका सब्जेक्ट अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है तो वर्ब की फर्स्ट या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आ जाएगी। और अगर सेंटेंस देखो, अब इसका रिजल्ट क्या बनेगा, रिजल्ट बनेगा इसका विल या शैल के साथ में वर्ब की बेस फॉर्म। ओके, अब देखो यहाँ पे तो ये बिल नहीं दे रखा है, ये गुड दे रखा है, और गुड हमारा जो होता है वो बिल का पास्ट फॉर्म होता है। बिल का पास्ट क्या होता है, गुड होता है, ये तो नहीं आएगा यहाँ पे। ठीक है, अब देखो ही वुड श्योर, श्योर और श्योरली, ये मिस कर देना वर्ब की बेस फॉर्म है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, वो यहाँ पे जो चीज वर्ब की विशेषता होता है उसको एडवर्ब कहते हैं। तो हमें यहाँ पे श्योर नहीं चाहिए, हमें श्योरली यहाँ पे चाहिए। ये भी कट गया, ये भी कट गया, और यहाँ तो गुड दिया हुआ है तो गुड हमें नहीं चाहिए। तो हमारा आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी। हमारा सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी। इफ ही डज नॉट रीच द स्टेशन इन टाइम, अगर वह स्टेशन टाइम से नहीं पहुंचता है तो वो श्योरली अपनी ट्रेन को क्या कर देगा, मिस कर देगा। ही विल श्योरली मिस। तो श्योरली किसके लिए आया है, ये एडवर्ब है आपका, किसको बता रहा है, वर्ब एडवर्ब है, वर्ब की विशेषता बता रहा है, वर्ब की विशेषता बता रहा है, तो श्योरली ही आ सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी कट गया, वहां वुड नहीं आएगा तो ऑप्शन नंबर बी कट गया, तो अभी वुड की वजह से ए कट गया, तो आपको ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम सही है। अगर आपकी कंडीशन प्रेजेंट में दी हुई है तो आपको जो रिजल्ट आएगा वो फ्यूचर में आएगा। इस चीज को आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। और हमारे टोटल मिला के 3 कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं, लेकिन टोटल मिला के 3 कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं। तो ये कंडीशनल सेंटेंस नंबर 1 है। ठीक ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया, तो सेकंड क्वेश्चन देखो जरा। आपको क्या बताना है, अप्रोप्रिएट सिनोनिम। एप्रोप्रिएट सिनोनिम आपको बताना है यहाँ पे। और आप देखो तो रे का मतलब क्या होता है, रे का मतलब क्या होता है, समथिंग विच इज नॉट स्ट्रेट।
समथिंग विच इज नॉट स्ट्रेट, समथिंग विच इज नॉट स्ट्रेट उसको कहते हैं रे, समथिंग विच इज नॉट स्ट्रेट है ना। तो कोई चीज जो स्ट्रेट नहीं है, ये तो गलत हो जाएगा, ये तो इसका फिर क्या हो गया, हमें सिनोनिम बताना है, तो ये तो इसका एंटोनिम हो जाएगा, तो ये तो नहीं होगा, फ्रैंक नहीं होगा, फोर्थ राइट वा का मतलब स्ट्रेट होता है, प्रूव्ड, प्रूव्ड के दो मतलब होते हैं, अगर आप किसी पर्सन को प्रूव कर रहे हो तो इसका मतलब वो पर्सन कैसा है, इवल है, वो पर्सन कैसा है, इवल है, कैसा है वो पर्सन, डिसोनेस्ट है, ठीक है, कैसा है वो पर्सन, लॉयल नहीं है, डिसलॉयल है, और ट्रस्टवर्दी नहीं है वो। लेकिन अगर आप किसी चीज को प्रूव कह रहे हो तो समथिंग विच इज नॉट स्ट्रेट, समथिंग विच इज नॉट स्ट्रेट उसको भी प्रूव कहते हैं। अगर किसी पर्सन को कहेंगे तो अ पर्सन हु इज डिसऑनेस्ट, हु इज इवल, ठीक है, उसको भी प्रूव कहते हैं। और इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा समथिंग विच इज नॉट स्ट्रेट। तो यहाँ पे क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इट इज क्लेम्ड दैट इफ यू टेक अ सर्टेन होम्योपैथिक मेडिसिन इट विल डैश यू अगेंस्ट द कोरोना वायरस, इफ यू टेक अ सर्टेन होम्योपैथिक। अच्छा एक चीज मैं आपको बताऊं, अगर हम असर्टेन और सर्टेन की बात करते हैं, सर्टेन एंड सर्टेन, असर्टेन और सर्टेन में क्या डिफरेंस है, इसके बाद में अगर नाउन आएगा तो नाउन आपका प्लूरल फॉर्म में आएगा, और असर्टेन में आप दोनों लगा सकते हो, काउंटेबल नाउन भी लगा सकते हो, तो ऑब्वियसली वो सिंगुलर ही रहता है। अगर आप अनकाउंटेबल, सॉरी, अगर आप अनकाउंटेबल लगाओगे तो वो तो हमेशा ही सिंगुलर रहेगा, और अगर आप काउंटेबल लगाओगे तो वो भी सिंगुलर ही रहेगा, वर्ब तो दोनों केस में से सिंगुलर ही वर्ब आती है, और इसके बाद में जो वर्ब आएगी वो प्लूरल वर्ब आएगी, असर्टेन और सर्टेन का ये डिफरेंस। बट यहाँ पे तो होम्योपैथिक मेडिसिन की बात हुई है, यहाँ पे इफ यू टेक, इफ यू, इट इज क्लेम, मतलब ऐसा दावा किया गया था कि अगर आपको कुछ सर्टेन होम्योपैथिक मेडिसिन लेते हैं तो इट विल डैश यू अगेंस्ट द कोरोना वायरस, तो ये आपको क्या कर देगा कोरोना वायरस से। एक बात बताओ, ये जो विल है ये आपका, आप जानते हो ये हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करेगा, तो इसके बाद में हमें वर्ब की बेस फॉर्म चाहिए, पहचानते हैं यहाँ से कौन कौन है वर्ब, शेल्टर तो एक होम हो गया ना जहाँ पे रहा जाता है, ये तो नाउन है आपका, इम्यून, इम्यून सिस्टम हम लोग कहते हैं ना, इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम, सिस्टम क्या है आपका, नाउन है, सिस्टम को मॉडिफाई कर रहा है तो ये तो एडजेक्टिव हो, इम्यून आपका एडजेक्टिव हो गया, री इन्फोर्स एंड फोर्टिफाई, ये दोनों आपके वर्ब हैं। अच्छा लेकिन यहाँ पे ना 45 आएगा, और दोनों का मतलब ही सेम होता है, किसी को स्ट्रेंथन करना, बूस्टर करना, स्ट्रेंथन करना, और यहाँ पे दो बूस्टर की ही बात हुई है। बट अगर आप 45 को अगर आप हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी रखते हो, क्योंकि यहाँ पे हेल्थ की बात हुई है, तो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर 4 यहाँ सही है। तो हेल्थ रिलेटेड आप बूस्टर की बात करोगे तो फिर आप 45 का इस्तेमाल करेंगे, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 आपका एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, माय मदर जनरली रीड द लोकल न्यूज़पेपर टू कीप अब्रेस्ट ऑफ द लोकल न्यूज़। अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम देखो एक चीज तो मैं बता दूँ, जनरली, ये जनरली क्या बता रहा है आपको, जनरली कुछ ऐसे शब्द होते हैं, जनरली, फ्रीक्वेंटली, है ना, मान लो एक शब्द हो गया सेल्डम, नेवर, ओकेजनली, फ्रीक्वेंटली लिख दिया, फ्रीक्वेंटली, जनरली, मान लो ऑफन, रेयर, रेयरली, हार्डली, ऐसे कुछ शब्द होते हैं जो आपको क्या बता रहे होते हैं कि ये जो काम है ना ये आपकी प्रेजेंट की हैबिट है, ये काम, ये शब्द क्या बता रहे होते हैं, प्रेजेंट की हैबिट। जब प्रेजेंट की हैबिट, हम लोग जानते हैं कि जब हमें प्रेजेंट की हैबिट बतानी होती है वो हम कौन से टेंस से बताते हैं, प्रेजेंट की हैबिट हम बताते हैं अपने प्रेजेंट इंडेफिनेट, हम प्रेजेंट इंडेफिनेट से बताते हैं हम प्रेजेंट की हैबिट, और प्रेजेंट की, प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनेट का जो इस्तेमाल करते हैं हम, तो
उसमें हम मेन वर्ब के रूप में हेल्प फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, और हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम डू या डज का इस्तेमाल करते हैं, और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। यहाँ पे देखो माई मदर जो है ये आपका एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, माई मदर यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर वर्ब है। अब आप लोग जानते हैं रीड की तीनों फॉर्म सेम ही होती हैं, रीड रेड रेड, लेकिन हमने पहचाना कि ये अगर ये पास्ट में होता, अगर ये पास्ट में होता तो रेड यहाँ पे सही था, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म की तरह काम कर रहा है या ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की तरह काम कर रहा है? क्योंकि देखो ये जनरली जो शब्द है ये आपको प्रेजेंट की हैबिट बता रहा है, ये उनका एक हैबिचुअल एक्शन है, ये उनका एक हैबिचुअल एक्शन बता रहा है, और हैबिचुअल एक्शन हुआ तो इसका मतलब यहाँ पे या तो फर्स्ट फॉर्म आएगी या फिफ्थ फॉर्म आएगी, और फिफ्थ फॉर्म कैसे बनाएंगे, रीड्स करके, है ना? तो अब यहाँ पे ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यहाँ पे फिर रीड ही नहीं आएगा, तो फिर क्या आएगा, रीड। ऑप्शन में कहाँ गलती हुई फिर आपकी, आपकी गलती हो गई ऑप्शन नंबर सी। देखो इसको लेके मैंने आपको इतना कुछ समझाया, आई होप आपको चीज आपको समझ में आ गई होंगी, आपने नोट डाउन कर ली है अपनी कॉपी में। देखो अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो और आप इस तरीके से कर रहे हो तो आई एम श्योर आप बहुत कुछ सीख रहे हैं। इस क्वेश्चन में भी हमने बहुत कुछ सीखा, आपने नोट डाउन कर लिया होगा नो डाउट। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो सस्टेनेंस, सस्टेनेंस का पहले मतलब जान लेते हैं। अगर हम कोई भी ऐसे जो हम प्रोडक्ट्स वगैरह खाते हैं ताकि हम क्या रह सके, सरवाइव करें, है ना, जो न्यूट्रिशंस वगैरह जो हमारी बॉडी की जरूरत होती है, तो देखो रिफ्रेशमेंट हमारी जिंदगी के लिए, लाइवलीहुड और नरिशमेंट, ये सब चीजें तो इसके सिनोनिम में आ जाएगा। सस्टेनेंस का मतलब हो जाएगा वो चीजें जो हम खाते हैं जो हमारे सर्वाइवल के लिए जरूरी है, हमें सस्टेन करने के लिए जरूरी है, उन चीजों को जो हम कंज्यूम करते हैं तो उसको कहते हैं सस्टेनेंस, या ठीक है? तो रिफ्रेशमेंट, लाइवलीहुड, नरिशमेंट, ये सब तो इसके सिनोनिम हो गए। और स्टारवेशन का मतलब क्या होता है, भुखमरी, है ना, आप भूखे हैं, क्यों, क्योंकि आपके पास फूड की कमी है, लैक ऑफ फूड, खाने की कमी की वजह से स्टार्व करते हैं, तो यहाँ पे क्या बनेगा, स्टारवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनकरेक्ट स्पेलिंग आपको बतानी है, सुपीरियर, देखो सुपर में आई यू आर जोड़ दो तो सुपीरियर बन गया, सुपरस्टिशन, STITION, कोई गलती नहीं है, सुप्रीम और सुपरफ्लुअस, देखो सुपरफ्लुअस, फ्लूअस की, फ्लू की स्पेलिंग क्या होती है, FLU, फ्लू की स्पेलिंग होती है FLU, और फिर OUS लगा के इसको एडजेक्टिव बना दिया, तो फ्लूअस यहाँ भी सेम सेम रहता है, फ्लूअस यहाँ भी सेम सेम रहेगा, तो उसकी स्पेलिंग क्या बनेगी, सुपर फ्लू फ्लूअस, LU फिर OUS, तो LU OUS, ऑप्शन नंबर सी में क्या हो गया, गलती, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में है गलती। वॉट अ पैलेस होम, क्या बताना है, इम्प्रूवमेंट करना है, ठीक है? देखो ये बच्चा वही इम्प्रूव कर पाएगा जिसको पार्ट ऑफ स्पीच की नॉलेज है। देखो होम जो है ये आपका एक नाउन है, और नाउन की जो विशेषता बताए वो होता है एडजेक्टिव। अब पैलेस तो अपने आप में एक नाउन है, पैलेस अपने आप में एक नाउन है, और नाउन नाउन की विशेषता तो बताता नहीं है, तो यहाँ पर पैलेस की जरूरत नहीं, यानी कि हमें कुछ तो इसमें इंप्रूव करना पड़ेगा, इंप्रूव तो हमें करना पड़ेगा, तो डी ऑप्शन तो बन नहीं सकता। ओके देखो व्हाट आ पैलेशियल होम, देखो पैलेस, पैलेस में ही हमने TIL लगा के इसको एडजेक्टिव बना दिया, तो क्या कहेंगे, व्हाट आ पैलेशियल होम, तो व्हाट आ पैलेशियल होम मतलब कितना ग्रैंड है ना, समथिंग विच इज वेरी ग्रैंड, बहुत ह्यूज है, मार्वलस, मार्वलस मतलब बहुत बड़ा है, बहुत ह्यूज है, ग्रैंड है,
यहाँ पे एडजेक्टिव की हमें जरूरत है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी में एडजेक्टिव है। यहाँ पे हमारा पैलेशियल आएगा ना कि पैलेस आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेलेगनेंस। एज यू ऑल नो, मेलेगनेंस में जो मेल है, मेल का मतलब होता है समथिंग बैड। मेल का मतलब होता है समथिंग बैड, इवल। बैड है कोई चीज, इवल है कोई चीज, है ना, डेंजरस है कोई चीज, खतरनाक है कोई चीज, हार्मफुल है वो, खराब है आपकी बॉडी के लिए, बिल्कुल हेल्दी नहीं है, मेलाइन है ना, डेंजरस है वो। लविंग तो हो नहीं सकता फिर, क्योंकि ये तो इसका एंटोनिम हो जाएगा, हमसे सिनोनिम पूछा है। बेनिफिशियल का मतलब तो ये फायदेमंद है, बल्कि ये फायदेमंद नहीं है, नुकसानदेह है आपके लिए, हेल्दी नहीं है ये, तो क्या हो जाएगा, विशियस। तो विशियस का मतलब भी क्या होता है, बहुत खराब है आपके लिए, डेंजरस है ना, हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत खतरनाक है, परनिशियस है। तो क्या बन जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए बनेगा, आपका विशियस इसका सही आंसर है। क्योंकि मैल का मतलब, मैल एक रूट वर्ड है, याद रखिए, मैल का मतलब ये होता है समथिंग विच इज बैड। और ये तो सारे शब्द ही गुड को लेके हैं, ये तो सारे शब्द पॉजिटिव हैं, तो हमें तो नेगेटिव शब्द की जरूरत है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है, आंसर बनेगा आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको ईडियम बताना है अंडर रैप, ईडियम बताना है अंडर रैप, तो बताइए। देखो अंडर रैप में अगर आप किसी चीज को रैप कर दे रहे हो अपने हाथों में, अगर आप उस किसी चीज को रैप कर दे रहे हो, तो आप उस चीज को सीक्रेट रखना चाहते हो। अगर आप किसी चीज को रैप कर दोगे रैपर में, तो आप उस चीज को सीक्रेट रखना चाहते हो, आप चाहते हो कि वो चीज क्या रहे, लोग उसको ना जाने, दैट इज द अंडर रैप। रैप करके उसको हम अंदर रख देते हैं, अंडर रैप, रैप के अंदर है कोई चीज, तो कोई चीज जो रैप के अंदर है वो सीक्रेट है ना, उसको तो सब लोग जान नहीं पाएंगे। तो अंडर रैप का मतलब क्या हो जाएगा, नो, डबल लेयर की बात नहीं है यहाँ पे, उसको सीक्रेट की बात है ना, उसको रहस्य रखने की बात है। अंडर रैप का मतलब हो जाएगा सीक्रेट। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ओके, एक्चुअली यहाँ पे ड्यूबियस होना चाहिए, दिस इज योर ड्यूबियस। तो इसका मतलब क्या हो जाता है, इसका मतलब हो जाएगा समथिंग विच इज धोखेबाज के टाइप में। और स्ट्रेट क्या हो जाएगा, वो पर्सन कैसा है, कैलो है, वो पर्सन कैसा है, न्यू है। आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, अंजू सेड टू विद्या, यू कैन स्टे विद अस व्हेनेवर यू आर इन दिल्ली। आपको इसका इनडायरेक्ट फॉर्म बनाना है, क्या बनेगा इसका। अंजू सैड टू, सैड टू का यू नो, सैड टू का क्या कन्वर्ट होता है, सैड टू को जब हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाते हैं, तो ये टोल्ड बन जाता है, और जो आपका से टू होता है, ये आपका टैल बन जाता है। ठीक है, तो टोल्ड बनेगा यहाँ पे, तो टोल्ड तो सब में दिया हुआ है, ठीक है, अंजू टोल्ड विद्या, ये तो सब में दिया हुआ है, दैट, ओके, सब में यही चीज है, दैट। अब आप जानते हैं कि यू जो है ये आपका अकॉर्डिंग जो आपका SON 1 2 3, तो 1 2 3 जैसे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, आपका फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट अकॉर्डिंग और सेकंड पर्सन आपका ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग। तो यू यू क्या हो जाएगा इसके विद्या के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे अब सी दे रखा है, तो मतलब ये सी हो जाएगा, यू का यू तो रहेगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी कट गया, दैट सी कैन। अब जानते हो आप कैन का बन जाएगा कुड, तो कैन का कुड बनेगा, तो यहाँ पे कैन का कैन दिया हुआ है, तो ये कट गया। सी कुड स्टे विद अस, अस किसके लिए आया है यहाँ पे, ये फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज करता है, तो अकॉर्डिंग टू अंजू चेंज होगा,
विद अस का प्लूरल क्या बनता है? देम, तो यहाँ पे विद देम आएगा. ओके विद देम, व्हेनेवर. अब यहाँ पे यू यू किसके लिए है? विद्या के लिए है, तो वहां पे फिर उसको चेंज हो जाएगा, शी आ जाएगा. तो यहाँ से ये यू कट गया. इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा एकदम सही है. नेक्स्ट देखो, अ गवर्नमेंट रन बाय द वेल्दी पीपल, जो अमीर लोगों के द्वारा गवर्नमेंट रन की जाती है उसको क्या कहते हैं? अच्छा, गवर्नमेंट जो अमीर लोगों के द्वारा रन की जाती है उसको कहते हैं प्लूटोक्रेसी. प्लूटोक्रेसी जो है वो वेल्दी पीपल्स के द्वारा रन किया जाता है, वेल्दी पीपल्स के द्वारा. एरिस्टोक्रेसी जो है ये हाई क्लास पीपल होते हैं, इन्हें एरिस्टोक्रेट भी कहते हैं, हाई क्लास पीपल. और जो मोनार्क है ये आपका किंग एंड क्वीन के द्वारा होती है. एंड जो ओलिगार्की है ये आपके कुछ फ्यू लोगों के द्वारा इसको रूल किया जाता है ना. अ फ्यू पीपल, अ गवर्नमेंट इन विच फ्यू पीपल रूल, दैट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज कॉल्ड ओलिगार्की. उस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हम ओलिगार्की कहते हैं. सर्टेन लोग होते हैं जो ही सिर्फ उस गवर्नमेंट को, उस कंट्री को रूल कर रहे होते हैं. लेकिन हमसे वेल्थ की बात बोली है तो वेल्थ ही हो जाएगा आपका एरिस्टोक्रेसी, ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट, अ सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेक्रेटरी एजुकेशन हैज लॉन्च्ड अ न्यू हेल्पलाइन फॉर स्टूडेंट. ओके, आपको इसका पैसिव बनाना है तो पहले ये ढूंढो कि आपका ऑब्जेक्ट कौन है. हैज लॉन्च अ न्यू हेल्पलाइन, अ न्यू हेल्पलाइन आपका ऑब्जेक्ट है. ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि आपको क्या दे रखा है. प्रेजेंट परफेक्ट दे रखा हैज लॉन्च. आप जानते हैं पैसिव में टेंस बदलता नहीं है. हैज जो भी आपके परफेक्ट वाले टेंस होते हैं, चाहे वो प्रेजेंट हो पास्ट हो, तो कोई भी टेंस रहेगा अगर वो परफेक्ट है तो आप पैसिव के लिए उसमें बीन का इस्तेमाल करोगे. तो उसका मतलब हो गया कि वहां पे बीन होना चाहिए. और अ न्यू हेल्पलाइन फॉर स्टूडेंट्स, अ न्यू हेल्पलाइन फॉर स्टूडेंट्स. आप देखो यहाँ पे इसका इस्तेमाल है, नहीं गलत हो गया, विल बिल्कुल नहीं आएगा. हैड नहीं होगा, प्रेजेंट है तो प्रेजेंट में ही रहेगा. हैज इसका मतलब अ न्यू हेल्पलाइन फॉर स्टूडेंट्स हैज बीन लॉन्च्ड, बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन. ऑप्शन नंबर फोर हमारा एकदम सही है. ऑप्शन नंबर फोर हमारा एक्चुअल, ऑप्शन नंबर फोर इज आर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, पहला जंबल है ही लिव्ड इन अ स्मॉल हाउस नियर द मेन रोड ऑफ अ विलेज. एज बोथ ही एंड हिज वाइफ वर्कड हार्ड दे मेड अ स्मॉल फॉर्च्यून, बट वन थिंग कॉज देम ग्रेट सोरो, दे हैड नो चिल्ड्रन. आफ्टर ही गॉट मैरिड ही स्टार्टेड अ टेलर शॉप. ओके, नाउ सी वन थिंग कि यहाँ पे ही के बारे में ही बात हुई और हमें नहीं बताया है कि ही कौन है. तो हम यहाँ पे हमें प्रोनाउन से ही शुरुआत करनी पड़ेगी. देखो जैसे यहाँ भी प्रोनाउन है, यहाँ ही एंड हिज वाइफ के बारे में है, कॉज दे के बारे में कुछ बात हो रही है, एंड ही गॉट. तो यहाँ पे तो हमें सिर्फ प्रोनाउन प्रोनाउन ही है, तो हमारी मदद प्रोनाउन तो नहीं कर सकता है. चलो ठीक है, एज बोथ ही एंड हिज वाइफ वर्कड हार्ड दे मेड अ स्मॉल फॉर्च्यून. लेकिन एक चीज जो थी वो उन्हें, तो यहाँ पे लेकिन एक चीज तो सी से तो शुरुआत होगी नहीं. अच्छा, तो दो ही चीज से शुरुआत हो रही है, तो ए से या बी से? चलो देखते हैं. एज बोथ ही एंड हिज वाइफ वर्कड हार्ड दे मेड अ स्मॉल फॉर्च्यून और ही लिव्ड इन अ स्मॉल हाउस नियर द मेन रोड. पहले बताएंगे कि वो कहाँ रहता था. पहले हम सी के बारे में बता देते हैं कि ही कहाँ रहता था. तो ऑप्शन ए से हो गई हमारी शुरुआत, ऐसे हो गई शुरुआत. अब आगे देखते हैं. ही लिव्ड इन अ स्मॉल हाउस विद नियर द मेन रोड ऑफ अ विलेज एंड आफ्टर ही गॉट मैरिड ही स्टार्टेड अ टेलर शॉप. देखो अब ए के बाद में बी तो नहीं आ रहा है, क्यों? क्योंकि दे वर्कड हार्ड, बट वेयर दे वर्कड हार्ड? दे वर्कड हार्ड देयर इन देयर टेलर शॉप. तो पहले हमें टेलर शॉप के बारे में बताना होगा. तो ए का पेयर डी से बना. उसके बाद में फिर वहां पे उन्होंने बहुत मेहनत की और अपने लिए थोड़ी बहुत धन दौलत भी जुटा ली, तो फिर डी का ऑप्शन बी से बना. लेकिन उनको एक चीज की प्रॉब्लम है कि उनके पास उनके खुद के कोई बच्चे नहीं है. तो देखो ए डी बी सी, हाँ बिल्कुल हमारा ऑप्शन नंबर सी इससे मैच करता है.
हमारा आंसर क्या है? ए डी बी सी, ए डी बी सी इज द करेक्ट आंसर। देव ज्योति शॉर्ट एनिमेशन फिल्म डैश हाइलाइट्स का स्टाफ, स्टाफ का मतलब होता है कंप्लीटली, स्टाफ का मतलब क्या होता है? कंप्लीटली, पूरी तरीके से, है ना, कंप्लीट। तो कंप्लीटली क्या शो कर रही है वो? कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द रिच एंड द पुअर इन इंडिया। कॉन्ट्रास्ट मतलब एक डाइवर्जन, एक डिफरेंस शो कर रही है वो, ठीक है। तो जो कोई शॉर्ट एनिमेशन है वो एकदम डाइवर्जन शो कर रही है पुअर एंड रिच पीपल के बीच में, ठीक है। अब देखो, स्वीट तो आ नहीं सकता है क्योंकि वहां पे कुछ पुअर एंड रिच की हो रही है, तो समथिंग बैड हो जाएगा वहां पे। ओके, स्वीटली तो आ नहीं सकता, स्ट्रिक्टली यहाँ पे कोई सेंस नहीं दे रहा है। ओके, केयरलेसली, केयरलेसली वो शो कर रही है, या पॉइग्नेंटली, पॉइग्नेंटली का मतलब होता है कोई ऐसी चीज आप देख रहे हो जिस जो जो आपके अंदर थोड़े सैड इमोशंस पैदा कर रही है ना। तो अगर एक बात बताओ, हम यहाँ पे पूरी तरीके से देख सकते हैं कि पुअर पीपल कितने मुश्किल से रह रहे हैं, अमीर लोग कैसे जिंदगी बिता रहे हैं। तो हम अमीर और गरीबी के बीच में बहुत अच्छे से डिफरेंस देखेंगे। तो हम जब गरीबी को देखेंगे तो हमें बहुत बैड फील होगा, तो हमें हमारे अंदर कैसी फीलिंग आएगी? बहुत बैड फीलिंग आएगी। यानी हमारा आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हमारा एकदम सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन टेंटर हो, ये मैंने आपको ऑलरेडी एक बार पढ़ाया हुआ है। अगर आप टेंटर हुक पे हो, अगर आपने अपना हुक से क्या हो गया? हुक पे हम लोग अपने कपड़े लटकाते हैं, ठीक है, हम अपने कपड़े सुखाते हैं, उनको टांगते हैं। तो हुक पे हमने अपना कपड़ा टांग दिया ना, हैंग कर दिया उसको। एंड अगर मान लो आपका ना बड़ा महंगा कपड़ा है, तो आपको अगर आपके कपड़े को किसी ने ऐसे हुक पर टांग रखा है, तो आप बड़ा एनेक्शियस फील करेंगे ना, आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है कि आपका इतना कीमती कपड़ा और ये ऐसे करके हैंग हो रखा है। आपको बड़ी टेंशन हो रही है, आप चाहते हैं कि उसको थोड़ा सेफली आप रख दें। तो जब तक आपका वो कपड़ा वो हैंगर पे, वो हुक पे लटका रहेगा, तो आप कैसा महसूस करोगे? आप बड़े टेंस महसूस कर रहे हैं, आपको बहुत चिंता हो रही है, आप बहुत एनेक्शियस हैं, बहुत वरिड हैं, है ना। तो यानी कि आप बहुत अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं, तो यू आर वेरी टेंस। सेलेक्ट द इनकरेक्ट, इनकरेक्ट स्पेलिंग आपको बतानी है। ओके, डिसअपीयर, अपीयर की स्पेलिंग ए डबल PEAR, तो सही है। अंटिल, आप जानते हैं अंटिल में जब जब टिल लगाते हैं तो सिंगल एल आता है, और अदरवाइज इसमें डबल एल आता है, अंटिल भी नहीं होगा। टेम्परेचर, TEMP, गलत, सही है। तो देखो, अब 12th की स्पेलिंग क्या होती है? उसको आप सिर्फ 12th बोलते हैं, TEELFTH, LFTH, TEELFTH। ऑप्शन नंबर सी में हमारी गलती है, तो ऑप्शन सी में स्पेलिंग गलत है, तो वही हमारा आंसर है। अच्छा, पहला नंबर है, वी जेंटली पुट द फ्लैगलिंग बैक इन टू द नेस्ट। वन मॉर्निंग वी फाउंड वन ऑफ द फोर फॉलन ऑन द ग्राउंड। वी फाउंड वन ऑफ देम, वन ऑफ द फोर। ओके, द रोबिन कपल बिल्ड हर नेस्ट इन आर वरांडा एंड लेड फोर एग्स। वंस दे हैड हैच्ड, दे बिजीली टुक टक took turns feeding the four। ओके, देखो यहाँ पे हमने ये बात समझी कि यहाँ पे पहले बच्चों की बात हो रही है, तो पहले हमें ऑप्शन नंबर सी ही है जो हमें बता रहा है, ऑप्शन नंबर सी है जो हमें स्टार्टिंग की सेंटेंस दे रहा है, तो शुरुआत बता रहा है, आपका सही ऑप्शन बन गया। वहां पे वंस दे हैड, एक बार जब उनके बच्चे हो गए, हम चार बच्चों को जन्म दे दिया, तो नाउ दे आर बिजी, उनको फीड करने में वो लोग बिजी हैं, तो ऑप्शन नंबर डी है ना। फिर एक दिन हमने पाया कि वो चारों में से कोई एक जो है ना वो जमीन से गिरा हुआ था, तो ऑप्शन नंबर बी। और वो जमीन से गिरा हुआ था, तो हमने उसको उठा के बड़े जेंटली हमने उसको वापस रख दिया, तो ऑप्शन नंबर ए। यानी कि सी डी बी ए ऑप्शन नंबर वन हमारा एकदम सही आंसर है। सी डी बी ए यानी ऑप्शन नंबर वन हमारा एकदम सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत आसान है, कोई डिफिकल्ट नहीं है।
दैट विच इज इनकैपेबल ऑफ बींग रीड और अंडरस्टैंड, कोई ऐसी चीज जिसको रीड ना किया जा सके, कोई ऐसी चीज जिसे रीड ना किया जा सके, और वो होती है इललेजिबल। ये मैंने आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में कराया अभी था। इललेजिबल का मतलब हो गया जिसको रीड ना किया जा सके, दैट थिंग कांट बी रीड। अच्छा, इलीगल का तो मतलब पता है, अनलॉफुल है वो चीज। इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट का तो आपको पता है बुद्धिमान होना। और इंडेलिबल, इंडेलिबल का मतलब होता है किसी चीज को, अब आप उसको उसके दाग धब्बे जो लग गए हैं उसको आप वॉश ऑफ नहीं कर सकते हैं। आंसर क्या कह रहा है, हम उसे रीड नहीं कर सकते। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम सही है, ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दीपू मदर हैज रिपीटेड आस्क हिम टू लोअर द वॉल्यूम ऑफ हिज मोबाइल। अगर आपकी रीडिंग अच्छी है तो आप रीड करके मैं जान लेंगे कि एरर क्या है। दीपू मदर, दीपू की जो मदर है, मदर हमारा सिंगुलर है तो हैज हमारा सही है। हैज रिपीटेड आस्क कैसे हो सकता है, आस्क उन्होंने बार बार उसको बोला है, और जो शब्द वर्ब को मॉडिफाई करे वो एडवर्ब कहलाता है। जो शब्द वर्ब को मॉडिफाई करे वो एडवर्ब कहलाता है। जो शब्द वर्ब को मॉडिफाई करे वो एडवर्ब कहलाता है। रिपीटेड तो एडजेक्टिव और नाउन, एडजेक्टिव और वर्ब दो चीज होती है, लेकिन हमें किस चीज की जरूरत है, हमें यहाँ पे वो एडवर्ब की जरूरत है। तो क्या आएगा वहां पे, रिपीटेडली। क्या आएगा वहां पे, रिपीटेडली। तो वो बार बार उनको बोल रही थी कि जो आवाज है, जो वॉल्यूम है, उसको तो क्या कर दीजिए आप, कम कर दीजिए, लोअर डाउन द वॉल्यूम, बट कैसे, रिपीटेड। तो ऑप्शन नंबर ए में करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ओके, पहले रीड कर लेते हैं। अ ईयर इज हार्डली सफिशिएंट टाइम फॉर अ मास्टर टू बैस अबाउट अ न्यू स्कूल, लीव अलोन अब्जॉर्ब अ डिस्टिंक्ट ट्रेडिशन लाइक दैट, मोस्ट ऑफ द न्यू अपॉइंटीज हैव नॉट सर्वड इन अ रेजिडेंशियल स्कूल एंड दैट्स टाइम टू लर्न, बट द शॉर्ट टेन्योर डिड नॉट अलाउ दैट, दे कुड नॉट डेवलप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टूडेंट्स एंड हिज टॉपिक। यहाँ पे कुछ टीचर्स वगैरह की उनकी अपॉइंटमेंट की और कुछ अंडरस्टैंडिंग की बात यहाँ चल रही है। ओके, लेट्स सी। अ ईयर इज हार्डली सफिशियंट टाइम फॉर मास्टर टू टू। अब एक चीज देखो, टू के बाद में ना हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म आती है। टू के बाद में वर्ब की बेस फॉर्म आएगी, तो वर्ब की बेस फॉर्म लर्न तो होती नहीं है, लर्न्स नहीं होती, लर्निंग नहीं होगी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर टू यहाँ आएगा। तो ईयर इज हार्डली मतलब मुश्किल से ही वो सफिशियंट टाइम है एक मास्टर को लर्न करने के लिए। क्या लर्न करने के लिए, उस स्कूल के बारे में। लीव अलोन अब्जॉर्ब अ डिस्टिंक्ट ट्रेडिशन लाइक, डिस्टिंक्ट अलग अलग ट्रेडिशन होते हैं सबके। आर सेल्फ क्यों आएगा, हम सेल्फ नहीं आएगा, माइंड क्यों आएगा वहां पे, आवर्स है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर क्या बनेगा, फोर। नेक्स्ट, मोस्ट ऑफ द न्यू अपॉइंटीज हैड नॉट सर्व्ड इन अ रेजिडेंशियल स्कूल एंड एंड दे एंड व्हाट। अब देखो सब नीड है दे रखा है, तो हमें वर्ब पहचाननी पड़ेगी। अ ईयर इज हार्डली सफिशिएंट टाइम फॉर मास्टर्स टू टू लर्न अबाउट अ न्यू स्कूल, लीव अलोन मोस्ट ऑफ द न्यू अपॉइंटीज हैड नॉट सर्व्ड, ये पास्ट में दे रखा है, ये चीज आपको पास्ट में दे रखी है, ठीक है। एंड ज्यादातर अपन दे इवन नॉट हैड सर्व द स्कूल एंड एंड दे वॉट एंड दे नीडेड टाइम टू लर्न, और उनको समय की जरूरत है, जरूरत होती है चीज को लर्न करने के लिए। तो यहाँ पे हमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म की जरूरत है। बट द शॉर्ट टेन्योर डिड नॉट अलाउ, ये तो समझ में आ गया, डिड नॉट अलाउ दैट नहीं आ सकता, दीज नहीं आएगा, ठीक है। दीज क्यों आएगा यहाँ पे, दोज भी नहीं आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, देन, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, देन। बहुत इजी है, रीड करते ही आंसर निकल रहे हैं। दे कुड नॉट डेवलप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टूडेंट एंड हिज इन्वायरमेंट। हिज जो है वो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव की विशेषता नाउन बताता है, तो यहाँ पे क्या आएगा, इन्वायरमेंट। यहाँ पे क्या आएगा, ऑप्शन नंबर थ्री आंसर क्या बनेगा इसका करेक्ट, ऑप्शन नंबर थ्री।
आज हमारा सेट नंबर 3 हमने कंप्लीट कर लिया है, 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गए हैं, आपने भी मेरे साथ में सॉल्व किया होगा। ऐसे ही सॉल्व करते रहो, सीखते रहो, बहुत कुछ आप आगे बढ़ जाओगे, प्रैक्टिस के थ्रू ही आप बहुत कुछ सीख जाएंगे। चलिए, नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करो, और पुराने हो तो आपने ऑलरेडी कर ही रखा होगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर। थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिए।